क्या यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तबाही लाएगा? पश्चिम को बेलारूस की लास्ट वार्निंग क्या है और फिनलैंड क्यों अपनी बॉर्डर पर लगा रहा है बाढ़? रूस यूक्रेन युद्ध की विध्वंसक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप। बखमुट की बौखलाहट में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए महायुद्ध का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्रीमिया को मुक्त कराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यूक्लियर हथियारों की धौंस दिखाकर बेलारूस ने पश्चिम को फिर चेतावनी दी। रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा कि पश्चिम की शत्रुतापूर्ण बयानबाजी जारी रही तो अंजाम बुरा होगा। बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर वेपन के लिए तेजी से साइट तैयार करने का काम जारी है। बेलारूस की पश्चिम को चेतावनी के बीच रूस ने बेलारूसी पायलटों को न्यूक्लियर वेपन चलाने की ट्रेनिंग देकर एटमी दहशत फैला दी। SU-25 बॉम्बर से एटमी अटैक की डमी प्रैक्टिस का वीडियो जारी कर ये संदेश दिया गया कि बेलारूस परमाणु हमले में अब सक्षम है। रूस के खतरे को देखते हुए फिनलैंड अपनी बॉर्डर की सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा है। सीमा पर कंटीले तारों के बाढ़ के साथ निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। रक्षा बजट भी फिनलैंड ने बढ़ाया है। महायुद्ध की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि जंग में रूस को चीन से सैन्य मदद मिल रही है। जेलेंस्की के दावे से पहले लीक हुए अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी चीनी फर्म से रूस को हथियारों की सप्लाई का दावा किया गया था। चीन से रूस को मिल रही सैन्य मदद के खुलासे के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन बढ़ाने की अपील की है। ब्रिटिश पीएम सुनक ने पश्चिम से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने को कहा है। जंग में यूक्रेन की जीत तक ब्रिटेन ने समर्थन का संकल्प दोहराया। जंग को लेकर रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने बड़ा दावा किया। मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिम से सैन्य और आर्थिक मदद बंद होती ही जंग खत्म हो जाएगी। मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेनी अर्थव्यवस्था एक दिन भी जंग का खर्च नहीं उठा सकती। जेलेंस्की ने डोनेस्क के स्लोवियांस में रूसी सेना के भीषण हमले की निंदा की है। रूसी S-300 मिसाइल के अटैक से 5 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे रूस का वॉर क्राइम बताया। ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप मोस्कोवा को तबाह किए जाने के 1 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर कर रूस की खिल्ली उड़ाई है। यूक्रेन ने उसी रास्ते में मिसाइल दागी जहां मोस्कोवा डूबा था। वो रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मेन वॉरशिप था।